हाय गाइस, आवाज चैनल ऑल इन वन में आपका स्वागत है। आज हम मैदे का पापड़ बनाएंगे, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बनाने में उतना ही आसान है। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए पापड़ बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 1 बाउल मैदा लेंगे और उसमें 1 बाउल पानी ऐड कर लेंगे और उसको अच्छे से फेंट लेंगे। हम इसको तब तक फेंटेंगे जब तक इसमें बबल्स ना आ जाए। ये देखिए, ये अच्छे से फिट गया है, इसमें बबल्स दिख रहे हैं। अब इसमें 4 बाउल पानी और ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिला लेंगे। अब गैस ऑन करेंगे और इसको पका लेंगे। हमें पकाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि इसको लगातार चलाते रहना है, जिससे ये नीचे पकड़े ना। इसी तरह चलाते हुए 5 मिनट इसे पका लेंगे। फिर इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे, छोटा 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा, नमक ज़्यादा ना डालिएगा, पापड़ सूखने के बाद नमक ज़्यादा लगता है। फिर 2 टीस्पून इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे और फिर इसको 10 मिनट चलाते हुए पका लेंगे। ये देखिए, 10 मिनट हो गया है और ये बनके तैयार हो गया है। अब हम गैस ऑफ़ कर देंगे। इसे बनाने में हमें टोटल 15 मिनट लगे हैं। अब हम पापड़ डालेंगे, उससे पहले पन्नी को ग्रीस कर लेंगे। पन्नी में इस तरह हम तेल लगा लेंगे, जिससे इसमें पापड़ चिपके ना और आसानी से पापड़ निकल सके। अब हम इस तरह पापड़ डालेंगे। पापड़ आप छोटा बड़ा किसी भी साइज़ में डाल सकते हैं। इस पेस्ट को गरम गरम में ही डालना है। अगर ये ठंडा हो जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको गरम कर लेंगे। इसी तरह हम सारे पापड़ डाल लेंगे और जब ये थोड़ा सूख जाएगा तो इसको पलट लेंगे। आप इसे धूप में सुखा सकते हैं और पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। तो चलिए, जब ये सूखता है तब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, मेरा पापड़ सूख गया है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसके लिए हम गैस ऑन करेंगे और रिफाइंड ऑयल में इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, फ्राई होने के बाद कितना बड़ा हो गया है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बनाने में तो आसान है ही है, जो आपने देखा। बस आपको ये पापड़ बनाते समय ध्यान रखना है कि इसमें नमक ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि पापड़ सूखने के बाद नमक ज़्यादा लगता है। इस पापड़ को बनाकर आप साल भर स्टोर करके रख सकते हैं और जब आपका खाने का मन हो तो चाय के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। आप भी इस पापड़ को एक बार ज़रूर बनाइएगा और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।